नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाकड़ न्यूज़ के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज़, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ नेटवर्क, से धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। तो हमारा जो है जी आज का जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे, वो है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, हम उसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि जो युद्ध चल रहा है इसके क्या मायने है। एक मिनट भाई साहब, ये बाल्टी बाल्टी लेकर कहाँ जा रहा है जी? इधर आओ, इधर आओ। ये जैसे कि मतलब हम इधर देखिए देखिए इनका चेहरा जो है वो देख के और इनका जो बाल्टी देख के हमें अपना मुद्दा ही बदल दिया, जो कि हमारा मुद्दा था रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध का। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम हमारा बिमलेश बिल्ला। बिमलेश बिल्ला जी, ये बताइए कि जो देश है उसमें बेरोजगारी का क्या सीन आपको लगता है, क्या है बेरोजगारी का? देश में बेरोजगारी तो बहुत है, लेकिन जो भी है चलो ठीक है, मतलब जो भी है चल रहा है ना। ये तो आपके पास है रोजगार? हाँ साहब, ये छोटे मोटे काम कर लेते हैं, यही है रोजगार हमारा। तो ये जैसे कि आपने बाल्टी लिया, तो क्या आपने सामूहिक गांड धोने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है क्या? अरे ना साहब, धोने धाने का तो काम ना, ये हमारा चिपकाने का काम है साहब। क्या चिपकाते हैं आप? ये सर पोस्टर है, पोस्टर चिपकाते हैं। पोस्टर है, चिपक दिखाई। ये देखिए, पोस्टर चिपकाने का बड़ा ही मतलब यूनिक काम है, बाल्टी में पोस्टर और गोंद लेके मतलब किस तरह से चिपकाते हैं। ये देखिए, कोची के पोस्टर है जी, गुप्त रोगी मिले अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, डॉक्टर कमलेश भोसरत। ये कौन है जी? डॉक्टर कमलेश भोसरत गुप्त रोगों का सही कोर्स ले हैं। ये तो बड़ा मतलब यूनिक काम है। एलन मस्क के बाद एक आफी है जो कि मतलब जो मानव सभ्यता है उसको बचाने का काम। इस तरह का पोस्टर तो हम बहुत देखे थे, लेकिन कौन चिपकाता था ये देखबे नहीं किए, यही आदमी चिपकाता था। मतलब बहुत बढ़िया है, इधर इधर आइए, तब मतलब यही काम आप करते हैं, पोस्टर वोस्टर चिपका जी। तो ये बताइए कि जो इस काम के अलावा क्या कुछ और भी काम करते हैं आप? ना सर, 2 महीने पहले IPL मैच चल रहा था तो उसको देखने में मज़ा आता था, अब तो वो भी ख़त्म हो गया। मतलब क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है, तो हमें कैसे आपके बारे में आपको बता रहे हैं, जहाँ पे आप अपने ओपिनियन देके ऐसे यानों में आप पैसे कमा सकते हैं, जिसका नाम है प्रोबो। प्रोबो क्या है ये? प्रोबो जो देखिए एक वेबसाइट है जहाँ पे जो भी आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें आप ये ओपिनियन देके यस या नो में और आप कमा सकते हैं बहुत सारे रिवॉर्ड यहाँ पे। ट्रस्टेड होगा ये प्रोबो को? 1 करोड़ से ज़्यादा यूज़र ऑलरेडी डाउनलोड करके यूज़ करके अपना ओपिनियन देके यहाँ पे पैसे कमाते हैं। यूज़ कैसे किया जाएगा जी? अभी आपको दिखाते हैं जी, ये जो प्रोबो ऐप है, ये देखिए, जैसे कि क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है तो यहाँ पे क्रिकेट का क्वेश्चन है कि क्या इंडिया WTC 2023 फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीतेगी? जीतेगा। तो आप इतने श्योर हैं ना, तो आप इसमें क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें जीतने के बाद पैसे कैसे निकालेंगे? ये पैसे निकालना बहुत आसान है, आप गूगल पे, पेटीएम, UPI और अन्य भी माध्यम से यहाँ पे आप पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पे जाके अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेगा 25 रुपये। तो जाइए जाकर डाउनलोड कीजिए प्रोबो, ठीक है? जाओ तुम अपना देखो। और ये जो इनका पोस्टर है, मतलब ये डॉक्टर कमलेश भोसरत गुप्त रोगों का सही कोर्स लें, लुंगी बाजार चंडी चौक के पीछे, मतलब इस तरह का पोस्टर हमने देखा है, आपने भी देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, बहुत सारे जगह इस तरह का पोस्टर मौजूद होता है। लेकिन वो एकदम खोपचा में इन्हीं दुकान खोलता है, तो हम लोग अभी चल के देखेंगे कि मतलब किस तरह का इन लोग क्या करता है साला है, एकदम रात्रि में शाही कोर्स भी दे रहा है, गुप्त रोगों का शाही कोर्स ले। तो ठीक है, ये हम लोग चल के अभी आपको दिखाते हैं कि लोग किस तरह से इलाज करता है डॉक्टर कमलेश भोसरत जो है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए धाकड़ न्यूज़ धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से इलाज यहाँ पे होता है, तो वही हम लोग यहाँ पे आ गए हैं कमलेश भोसरत का। देखिए टेंट यहाँ पे बगल में लगा हुआ है और हम आपको दिखाएंगे। मतलब मेरे अनुसार तो ये लोग जैसा ज़्यादातर फ्रॉड टाइप होते हैं, क्योंकि 2-3 साल पहले हम दवाई लिए थे 5600 का रेलवे स्टेशन से, साला कुछ काम ही नहीं किया, तो यही सब होता है इन लोग का। तो हम लोग चल के दिखाएंगे। देखिए कि यहाँ पे व्यक्ति भी मंडरा रहा है, तो इससे बात करते हैं। ये देखिए गमछा पहना है, तो मतलब क्यों आपने गमछा क्यों पहना, क्या कोरोना से बचने के लिए? भाग कह रहे हो, इधर आओ। क्या कोरोना से बचने के लिए आपने गमछा पहना है? नहीं, वो थोड़ा ऐसे ही मतलब। नाम क्या है आपका? नाम बिट्टू कुमार। बिट्टू जी, देखिए हम, अरे एडिट करवा देंगे, खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम 6000 दे के जबरदस्त एडिटर रखे हैं। अरे ब्लर करवा देंगे, लगेगा कि इमरान हाशमी खड़ा है, तुम नहीं दिखोगे, खोलो गमछा, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो बिट्टू जी ये बताइए कि कितना बढ़िया चेहरा है, कहाँ छिपा रहे हो, कहाँ से आए हो बिट्टू जी? चोचरी भागलपुर से आए हो बिट्टू। तो यहाँ पे किस तरह का इलाज कराने आए हो? वो थोड़ा सामान का, सामान का इलाज। ये देखिए जो है बिट्टू कुमार जी हैं, चोचरी भागलपुर से आए हैं और यहाँ पे जो कि लाड़ बढ़ाने वाली दवा यहाँ पे लेने आए हैं। भाग कहला रहे हो जी?
ये देखिए, अगर यौन समस्याओं पर बात किया जाए तो युवा हमारा भाग जाता है और मतलब चेहरा उरा छुपा के और किसी से इस तरह की घटनाओं के बारे में बात नहीं करता है, और उसी का फ़ायदा ये वैद्य लोग उठाते हैं और उल्टा पुल्टा दवाई कुछ भी दे देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अंदर चल के कि क्या सीन है, किस तरह से इलाज होता है। बड़ा पतला जी, स्लाइड करके जाना पड़ेगा। कहाँ आइए कैमरामैन, आइए यहाँ पे कैमरामैन, आइए लेके कैमरा बंद करवा दीजिए। नहीं नहीं, अरे ठीक है ठीक है। देखिए जो है ना कि हम लोग एकदम पॉजिटिव प्रमोशन करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत एकदम नहीं होगा भाई साहब। आप बातचीत कर लीजिए लेकिन कैमरा बंद करवा दीजिए। अरे देखिए कैमरा मतलब समझिए बंद है, उसको भूल जाइए। तो बताइए ना कि कब से इलाज कर रहे हैं आप? आधे घंटे से। अरे लौड़ा अभी नहीं, मतलब कि जो धंधा में है कब से है आप? भैया खानदानी पेशा है हमारा तो। अच्छा खानदानी, बिल्कुल भैया। तुम किस तरह से इलाज होता है? इलाज भैया हमारे दादा बहुत बड़े एक हकीम वैद्य थे। अच्छा। नजर से अंधे थे लेकिन रोगी की नब्ज पकड़ कर बीमारियां बता देते थे। अच्छा अच्छा। उन्हीं से हमारे पिताजी ने यह धंधा सीखा और पिताजी से हमने सीख लिया। अच्छा, मतलब ये खानदानी सीखे हो ना। तो इनका कहना है, जो कमलेश भोसरा थे, इनका कहना है कि इनके दादाजी जो थे वो अंधे थे और नब्ज पकड़ के कोई भी बीमारी है वो बता देते थे लोगों का। तो ये अच्छा, कमलेश भोसरा जी हमें ये बताइए कि जैसे अभी आपके दादाजी अंधे थे, नहीं देख पाते थे, तो कभी हुआ है कि मतलब किसी रोगी का नब्ज पकड़ने की जगह कुछ और पकड़ लिया? अरे भैया कैसे नहीं हुआ ना। अरे मतलब ऐसा अंधेरा में हो जाता है कभी कभी ना, तो यही है इनका सीन चल रहा है। तो ये देखिए बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ पर लगी हुई है, कौन क्या करता है कुछ पता नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह की यहाँ पे। अरे भैया क्या हुआ? रुकिए रुकिए, नहीं नहीं ऐसे बिना परमिशन के आप आगे मत जाइए। अरे तीन कदम पे यार ये खत्म हो रहा है, झाड़ बराबर ही टेंट है, कहाँ जाएंगे हम आगे यार। इनको देखिए, आइए हम और दवाई दिखाते हैं। ये देखिए ये सब साला गरम मसाला जैसा लग रहा है जी, ये आम का चार है कहा। तो देखिए इस तरह की दवाई यहाँ पे रखी हुई है, बहुत सारी है, कौन क्या काम करता है कुछ पता नहीं है। दालो उल रखा है जी, कहाँ गया वो, कहाँ गया वो जी? दवा लेने गए। दवा लेने गए हैं? तुम यहाँ पे इलाज कराना है, किस चीज़ का इलाज करा रहे हो? शीघ्र पतन का और थोड़ा छोटा है। शीघ्र पतन का छोटा है? अरे यार देखिए इसी तरह की बीमारियों में हमारा युवा का एकदम मति भ्रष्ट हो जाता है। कितना लम्हर कर लोगे, बॉस बना लोगे? मतलब देखो खाली अफ्रीका वालों के छोड़ के ना जितना लोग है सबका मतलब छोटा ही होता है, मेरा भी वही समझो। तो टेंशन लेना ही नहीं है इस तरह की चीज़ों में। ये देखिए आ गए हैं बाबा जी, इलाज पता नहीं कैसा करता है जी। कौची दे रहे हैं? ये लो भैया पुड़िया लो, सुबह शाम बकरी के दूध में मिलाकर ले लेना। ये पुड़िया यहाँ पे दिया गया है इनको, ये पुड़िया 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 दी है, काम करेगा ही सर? बिल्कुल भैया बिल्कुल करेगा। अच्छा तो हमें बताइए कमलेश भोसरा जी कि इसके अलावा किन किन दवाइयों का, किन किन मतलब बीमारियों का इलाज करते हैं? भैया शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, पतलापन, टेढ़ा मेढ़ा, अच्छा। छोटा लंबा, मतलब अगर हाँ बहुत बहुत वेरायटी, बहुत वेरायटीज का, साथ ही साथ बवासीर, पेट में कब्ज और सब सबका नब्ज पकड़ के। बिल्कुल बिल्कुल, नब्ज देख कर ही हम सारी बीमारियां बता देते। तो ये कमलेश भोसरा जी का कहना है कि गुर्दे से लेके गांठ तक और कलेजे से आड़ तक कोई बीमारी हो नब्ज पकड़ के बता देते हैं। आइए एक कस्टमर एक वाव है जी। क्या दिक्कत है भाई? बैठता हूँ ना तो दर्द उठता है, और दर्द उठता है तो थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। अरे लगता है बवासीर हो गई है तुमको। मिर्ची बवासीर है? हाँ भैया बवासीर ही बता रहे हैं इनके संकेत तो। मिर्ची मिर्ची से होता है? हाँ मिर्ची भैया, मिर्ची बहुत खाते हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो क्या ऐसा करिए, आप मिर्ची खाना बंद कर दीजिए, ताजे ताजे फल फ्रूट्स खाइए, ठंडा पानी का सेवन करिए, दही दूध मट्ठा छाछ सब कुछ पीजिए, सारी दवा आराम मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अभी आपके लिए दवाइयाँ लेकर आते हैं। तो इनको बवासीर है उसके लिए दवाई लेके बाबा जी जो हैं ये लेके आ रहे हैं दवाई, तो हम आ सकते हैं देखने का दवाई का प्रोसेस? नहीं नहीं भैया नहीं 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 आ सकते। नहीं, नहीं। देखिए ये नहीं समझ में आ रहा कि दवाई तो इधर रखा है तो उधर जाके बना कुछ रहा है, है? तुमको बवासीर है जी, तो कहाँ लम्बी चाय इतना खाते हो, मत खाया करो ना, बैठे रहो यहाँ पे, आते हैं देख के, इधर आओ देखते हैं कि कहाँ जाता है जी। टेंटे पे टेंट है यहाँ पे, ये देखिए एक और इधर टेंट है, इधर आओ जी देखते हैं क्या हो रहा है इधर। ए भाई साहब जी, अरे बहन चो देखिए YouTube वीडियो देख के इलाज करा रहा है, खूनी बवासीर बुरी चीज होती है, इस साला YouTube वीडियो देख के इलाज करता है जी तुम। अरे बहन चो यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखाइए, ये सब एलोपैथी का दवा है जी, हैं साला। ये देखिए एलोपैथी के दवा को ही कूट के यहाँ पे मिश्रण बना के और आयुर्वेदिक के नाम पे बेच रहा है, यही यही हो रहा है जी इलाज खानदानी।
साला हमको तो लग रहा है इसका दादा भी नहीं होगा बहनचोद। ये देखिए यहाँ पे यही जो लोगों का उनके हेल्थ के साथ खेला जा रहा है, जो एलोपैथी की दवाइयाँ हैं वही देखिए, व्याग्रा वो आगरा भी रखा है साला। ये देखिए शीघ्र पतन दोष कम जो भी है उसमें व्याग्रा साला कुछ के ही दे देता है, वो कहता है कि देखिए रुको बहन चोद अभी तुमको बताते हैं। ये गया लोड़ा सेट्रोजील, ये गया जादू 50-500 लोड़ चट। ये देखिए दो दवाई को मिक्स करके हमने भी एक दवाई बनाई है। साला ये देखिए ये आयुर्वेदिक लौंडा का वीडियो देख के इलाज कर रहा है आदमी का है, और एलोपैथी दवाओं को दे रहा है बना के कि हम आयुर्वेदिक बना रहे हैं। बहन चोद साला बैद बनेगा करी माई के चोद। कहाँ गया जी, तुमको चीज देख रहा जी, इलाज करवाना है। अरे गणिया मर जाएगा, भागो साला यहाँ से, एलोपैथी दवाई साला दे रहा है उल्टा पुल्टा। यही होता है तो हम दर्शकों को कहेंगे कि थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, और जो भी है अच्छे डॉक्टर और जो भी है डॉक्टर जो कि जिनके पास डिग्री वगैरह है, कमलेश भोसत नहीं कमलेश भोसड़ी वाला, तो इस तरह के लोगों से आप बच के रहिए, और जहाँ भी इलाज करवाइए अच्छे जगह देख के इलाज करवाइए, और देखते रहिए धाकड़ न्यूज धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। इसका टेंटवा कबार के ले चलो जी हमनी, और आम का अचार भी है अंदर है, मसाला भी सब ले चलेंगे तुमको बवासीर। बेटा तुम जाके मेडिकल में दवाई लो, निकलो सर ये सब सब लेके चलते हैं जी। ये देखो ये सब मिश्रण मसाला है, कोई दवाई नहीं है, सब है जो किचन वाला मसाला है, सब लेके चलते हैं हमनी, काम देगा, मुर्गा बना के खाएंगे।